हेलो जी, मैं कौन सा आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल के एसएफ में। तो भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, मेरी लास्ट वीडियो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल के बारे में थी। तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से जो मैंने सेटअप किया हुआ है और अपने ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करता हूँ, तो उसी बारे में जो आज बात करेंगे फिर से, क्योंकि काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट आई है कि भाई उसकी जो सेटिंग है, उसके जो वायरिंग है, उस बारे में हमसे डिस्कस किया जाए, तो उसी बारे में बात करेंगे। और माफ़ी चाहूँगा भाई, काफ़ी टाइम बाद जो है, मैंने हफ्ता भर हो गया करीब मैंने वीडियो अपलोड की है, अब जाके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी, यकीन माने कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की या किसी और कुछ काम करने की, तो उस वजह से जो वीडियो नहीं बना पा रहा था। तबीयत थोड़ी बेटर है और मैं वीडियो बनाऊँगा रेगुलर। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे, थर्मोस्टेट में जो है वायरिंग किस तरह से की जाए, उसकी सेटिंग किस तरह से की जाए, तो सारी डिटेल वीडियो आज बनाऊंगा। तो भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा थर्मोस्टेट का जो सेटिंग थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। अगर वीडियो नहीं देखे तो भाई आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगा, वो देखिए ज़रूर, बड़ी इंपॉर्टेंट और काम की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो अभी जो हम बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग और इसके वायरिंग के बारे में। वायरिंग का ऐसा कुछ ज़्यादा कोई टफ नहीं है, वायरिंग बड़ी ईजी है, लेकिन मेन जो है इसकी सेटिंग है, सेटिंग में जो लोग दिक्कत कर जाते हैं। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ इसकी वायरिंग किस तरह से की गई है। अब ये हमारा चार्जर है, इसे अडेप्टर कहते हैं, 1.5 एम्पेयर का अडेप्टर है 12 वोल्ट का। तो इसमें जो हमारी यहाँ वायरिंग हो रही है, एक सेकंड, इधर जो हमारी वायरिंग हो रही है, तो इधर जो है देखो, आपको दिख रहा होगा प्लस 12 वोल्ट। तो इधर जो हमारा पॉजिटिव का जो है तार आएगा, और जो GND लिखा है ग्राउंड, यहाँ हमारा जो ग्राउंड का जो है अर्थ का वो तार आएगा। बहुत से चार्जर ऐसे होते हैं, तो एक तार पे ब्लैक ब्लैक डॉट होते हैं, तो वो समझ लीजिए कि वो भाई हमारा पॉजिटिव का तार है ना, और जो बाकी जो बचा हुआ तार है वो हमारा ग्राउंड का तार है। अब ठीक है, इसमें इस तरह से नहीं है, तो इसमें एक रेड तार है और एक वाइट तार है। तो आप कंफ्यूज ना होना, इसमें आप लगा के देख लेना, 12 वोल्ट की जो अडेप्टर से हमारा ये थर्मोस्टेट फूकेगा नहीं, आप अपने तरीके से लगा के देखना, जैसे जहाँ सूट कर जाए, जहाँ ये थर्मोस्टेट चल जाए, वही इसकी सेटिंग की जो वायर है। ठीक है, इसके बाद जो मेन वायरिंग इधर आती है, इधर जो ये K0 और K1 है, तो इसमें हमारी मेन वायरिंग है, इसमें हीटर की हमारी वायरिंग होती है। तो K0 में जो हमारी हीटर की एक वायर लगनी है, ठीक है, और मैं आपकी सुविधा के लिए मैं इसका डायग्राम भी आपको डाल दूँ कि किस तरह से जिसकी वायरिंग होनी है। तो K0 में हमारी ये होनी है वायरिंग हीटर की, और K1 में हमारी जो प्लग की मेन लाइन है ना, इसकी वायरिंग हो रही है। मैं समझा देता हूँ आपको किस तरह से होनी है। तो अभी आप डायग्राम पे देख रहे होंगे किस तरह से इसकी जो वायरिंग हो रही है। तो 12 वोल्ट जो है प्लस 12 वोल्ट हमारे चार्जर की होनी है, और इसमें इसके अलावा जो ग्राउंड है, इसमें भी हमारी अडेप्टर की जो वायरिंग होनी है। ठीक है, इसके अलावा जो K0 है, K0 में हमारी एक हीटर की एक तार लगनी है, और K1 में जो है हमारा मेन प्लग की तार लगनी है। उसके अलावा जो हीटर की एक तार बचती है और मेन प्लग की जो एक तार बचती है, वो आपस में कनेक्ट होनी है। तो इस तरह से इसकी वायरिंग है, मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए ये एनिमेशन जो है, इसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, और इसको चाहे आप स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं। तो इस तरह से इसकी वायरिंग है। तो भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग के बारे में, जो हमारा थर्मोस्टेट की सेटिंग किस तरह से करनी है। तो जैसे ही आप इसकी वायरिंग वगैरह सब कर लें, इसमें जो अडेप्टर की वायरिंग और हीटर की वायरिंग कर लें और स्विच ऑन कर लें, उसके बाद जो हमें सेटिंग करनी है, आपका जो है कुछ और लिखा आएगा, जो भी इसको सेट होगा टेम्परेचर वो आएगा लिखा हुआ, लेकिन जो फिलहाल आपको करनी है वो ये करना है, जिसका पहला बटन है, इसको कुछ सेकेंड तक प्रेस करना है। ठीक है ना, इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये PO आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा आएगा। अब उसके बाद जो ये दूसरा बटन है, ये इंक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए, तीसरा बटन डिक्रीज के लिए। तो अब हम एक सेकंड फिर से करना पड़ेगा, तो ये PO आ गया। ठीक है, अब इसे 1 2 3 4 5 6 तक इसके नंबर है, और फिर दोबारा PO स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें जो छेड़ने हैं नंबर, हमें कुछ और ज़्यादा नंबर नहीं छेड़ने, तो हमें ये नंबर छेड़ने हैं, एक P1 है। ठीक है, P1 हमारा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो है P3, ये दो चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इन्हीं चीज़ों को छेड़नी है, और इसको फिर एक पहले नंबर को फिर दबाएंगे तो दोबारा से हमारा वही आ जाएगा P3 पे। तो अब मैं बता देता हूँ कि P1 में हमें क्या करना है। ठीक है, और P1 ये हमारा कि हमारा हीटर ऑफ कितनी देर के लिए रहेगा, मतलब 2.5 इसमें लिखा है ना। अब जैसे मैंने सेट कर रखा 25 पे, तो 25 के बाद जब हमारा 25 पे टेम्परेचर आएगा, हमारा हीटर जो है वो ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद 2.5 डिग्री तक जब तक ये गिरता नहीं है ना टेम्परेचर, तब तक हमारा हीटर ऑफ रहेगा, और उसके बाद 2.5 तक गिरने के बाद जो है हमारा हीटर ऑन हो जाएगा। और इसके बाद जो है, अब जैसे हमारा ऑफ हो गया ना, ये तो अलग सिस्टम है। अब मैं दोबारा इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने जब हीटर सेट करना है अपना थर्मोस्टेट, तो P3 पे जाना है। ठीक है, मैंने 22 पे सेट कर रखा है, आप जितना मर्जी आपके हिसाब से अपने सेट कर लीजिए।
22-25 ये सही रहता है मेरे ख्याल से, मेरे सेटअप के हिसाब से तो यही सही रहता है। तो P3 पे आप ये सेट कर लीजिए 22, ठीक है। P3 पे मैंने 22 सेट कर रखा है, आप अपने हिसाब से जो भी सही लगे आपको वो सेट कर लीजिए, 22-25 जो भी, इस तरह से जिससे दूसरे नंबर से ज़्यादा होगा तीसरे नंबर से घटेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमें फिर आना है P1 पे, अब हम आ गए P1 पे। तो P1 पे जो है आप 2.5 कर लें, या फिर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको चलाना है तो आप उसी हिसाब से बढ़ा दें। जैसे अभी ये मैंने प्लस का बटन दबाया तो बढ़ गया 2.6 हो गया, और यहाँ ऐसे करता हूँ तो 2.5 हो जाएगा। तो ये इसकी मेन सेटिंग है P1, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, P1 में हमें घुसना है और P3 में घुसना है, ठीक है। उसके अलावा कोई और चीज़ में नहीं घुसना है। और एक और मेन बात जो बहुत से भाइयों को पता नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक सबको पता होगा लेकिन बता रहा हूँ फिर भी, अभी P0 है हमारा, ठीक है। P0 में दो ऑप्शन आते हैं, अब हम इसे P0 करेंगे ना, तो P0 के बाद दोबारा हम इसको बटन को दबाएंगे पहले वाले को, तो H आ जाएगा और इसके बाद C आ जाता है, C फॉर कूलिंग और H फॉर हीटिंग। तो आपको हीटिंग पे रखना है, कूलिंग पे नहीं, P0 पे हीटिंग रखनी है, और P1 पे जो आपके हिसाब से जो आपको जो टेम्परेचर चाहिए वो, और P3 पे जो हमें अपने टेम्परेचर हमें सेट करना है 25, 26, 27 जो भी है, ठीक है। ये इसकी सेटिंग है, तो मेन सेटिंग यही है जो जो मुझे शेयर करनी थी। वायरिंग इतना टफ नहीं है, लेकिन सेटिंग जो है थोड़े नंबर आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता थे, मैंने थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी इसमें पढ़ी जो इसकी जो थर्मोस्टेट की डिटेल है वो, तब जाके समझ में आया। तो ये बात बतानी थी आपको ये शेयर। और अभी काफ़ी भाइयों के जो सवाल आ रहे थे मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई क्या सवाल थे, और उसके रिगार्डिंगली जो मैं इसके जो क्या जवाब देना चाहूँगा तो उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो भाइयों, कुछ भाइयों ने जो सवाल किए थे कि भाई अगर हम बल्ब जलाएं और हीटर जलाएं तो उसमें कितना डिफरेंस आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मैं जवाब देना चाहूँगा भाई, अगर आप 10 बल्ब जलाएं या 4 बल्ब जलाएं या फिर 3 बल्ब जलाएं तो एक हीटर के मुकाबले तो भाई बल्ब की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़्यादा आएगा मेरे हिसाब से तो। और वही जो उसका 100 वोल्ट का 200 वोल्ट का बल्ब लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 2 लगाते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बिजली लेंगे। और उसके अलावा जो है इसमें नुकसान एक ये होता है बल्ब में कि आपको जो है भाई टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, आपको खुद सुबह उठ के जल्दी जलाना पड़ता है बल्ब, और लेट नाइट तक जो है बल्ब जला रहता है, तो उससे बर्ड जो है हमारी परेशान होती है, डिस्टर्ब होती है, और अगर बर्ड सोएगी नहीं पूरी रात भर तो बर्ड स्ट्रेस में आ जाएगी और भैया जो बीमार हो जाएगी, बच्चे भी मर सकते हैं। तो बल्ब की जगह भाई ये मेरा ये है, बल्ब और हीटर में मेरा ये राय है मेरी। और उसके अलावा भाइयों ने पूछा कि भाई जैसे कि अगर ये हीटर चला रहेगा और अपने आप ऑन ऑफ होगा तो कभी कम ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उस तरह का कोई इशू, तो मैं उस बारे में कहना चाहूँगा भाई इस तरह का कोई इशू नहीं होता। जो हमारा थर्मोस्टेट है उस तरह से सेट किया जाता है कि भाई अगर टेम्परेचर अपने सेट के हिसाब से किया जाता है कि ना भाई अगर बाहर से जो हवा आ रही है ठंडी आ रही है तो बर्ड को मैनेजेबल होता है ये, और बर्ड को कोई दिक्कत नहीं होती है, टेम्परेचर सेट में उतना ही रहता है जितना बर्ड को हमारी रिक्वायर्ड होती है, तो उस वजह से जो है ये टेम्परेचर में और दिक्कत नहीं करता, चाहे कैसे भी टेम्परेचर हो बाहर, ये अंदर जो हमारा टेम्परेचर रखता है वही टेम्परेचर रखता है जो बर्ड को रिक्वायर होता है। और भाई एक भाई का ये सवाल आया था कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है हमारे सेटअप की, ये जो हमारा हीटर वाला सिस्टम है इसकी टोटल कॉस्ट जो है कितनी आती है, तो भाई ज़्यादा नहीं आती है मेरे हिसाब से, और मेरा तो सस्ते में बन गया था क्योंकि मेरा हीटर घर में ही पड़ा हुआ था पुराना, और मुझे बस ये थर्मोस्टेट और ये अडेप्टर खरीदना पड़ा, और हार्डली मेरे ख्याल से 700 से 800 रुपये जो हमारे इसकी इसकी जो कॉस्ट है वो आती होगी। और इसीलिए जो है मैंने थोड़ी रिसर्च की है, और क्या कहते हैं आप सभी भाइयों के लिए मैंने वो प्रोडक्ट ढूंढे हैं जो बेटर हैं और सस्ते भी हैं, तो लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उनसे खरीद सकते हैं। और मैंने जो थर्मोस्टेट ये वाला यूज़ किया है इसमें कोई केस वगैरह नहीं है, ठीक है, ये ऐसी है बस, इसमें जुगाड़बाजी कर रखी है मैंने चिपका उप के। तो आपके लिए जो मैंने थर्मोस्टेट ढूंढा है वो उसमें केस है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और सेफ़ रहता है वो, तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अडेप्टर का भी मैंने दे रखा है, और जो हमारा हीटर है उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मेरी राय ये रहेगी भाई अपना हीटर जो है अपना लोकल स्टोर से खरीदें, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा और ऑनलाइन जो है जितने भी थोड़े महंगे हीटर हैं, तो आप हीटर जो है अपना लोकल स्टोर से खरीदें, ऑफलाइन खरीदें, ऑनलाइन ना खरीदें। बाकी ये दोनों चीज़ें हैं इनका जो है मैंने लिंक दे रखा है, आपको ये ख़रीदना चाहिए नीचे से ही, क्योंकि ये चीज़ें मैंने वो ढूंढ के दी हैं जो सबसे बेटर हैं और सबसे अच्छी हैं। इसमें जो हमारा थर्मोस्टेट है वो केस वाला है, उसमें केस लगा हुआ है, और अडेप्टर जो है वो भी मैं एक आपको राय दूंगा भाई लिंक से खरीद लेना, क्योंकि आपको जो चाहिए होगा अडेप्टर इसमें 1.5 एम्पेयर का और 12 वोल्ट का चाहिए होगा, अब पता नहीं आप कौन सा खरीद के ले आएँ बाहर से,
तो मैंने वही लिंक डाले हैं जो इस चीज़ में काम करेंगे और लंबे टाइम तक काम करेंगे। तो सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर खरीदें। और एक आखिरी बात है भाई, वीडियो ख़त्म करने से पहले कि भाई आपने एक रिक्वेस्ट तो बड़ी जल्दी कर दी थी कि भाई मेरे लिए, हमें ये इसके ऊपर सेटिंग के बारे में, वायरिंग के बारे में वीडियो बना दो। और उससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई वीडियो को शेयर किया जाए, मैं चाहता हूँ सबके पास ये नॉलेज पहुँचे, ये जो इन्फॉर्मेशन है सबके पास शेयर हो। तो किसी भाई ने भाई शेयरिंग नहीं की मेरी वीडियो, किसी ने शेयर नहीं की। बड़ा बुरा लगा देख के भी यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और किसी ने शेयर नहीं की, और ना ही भाई कोई चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है। तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। और उसकी वजह ये है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे चैनल सब्सक्राइब करो और भाई मेरा चैनल ग्रो करो, बस ये सर्टेन नंबर तक जो है YouTube की एक पॉलिसी है कि इस नंबर तक आप भाई ये फ़ीचर कर सकते हैं। तो वही फ़ीचर के लिए मैं भाई सब्सक्राइबर चाह रहा हूँ आपसे कि थोड़ी सपोर्ट की जाए आपकी तरफ से। उस सर्टेन जो नंबर है हमारा वो क्रॉस कर जाएगा तो मैं लाइव वीडियो आपसे रिकॉर्डिंग जो है लाइव आ सकता हूँ, मैं आपसे लाइव बात कर सकता हूँ। मैं स्केड्यूल बनाऊँगा कि भाई हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक बार मैं आपसे लाइव आके बात करूँ। और उसके अलावा जो है स्टोरी वगैरह जो यूट्यूब पर डलती हैं तो मैं वो भी चाहूँगा कि भाई अगर मेरी स्टोरी यूट्यूब पर डले तो मेरी वीडियो जो है आने से पहले आपको पता चल जाए कि अगली वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो कुछ सर्टेन नंबर से जो चाहिए मुझे सब्सक्राइबर के लिए, और तभी जाके यूट्यूब की पॉलिसी है वो सब चीज़ मुझे अलाउ करेगी। बस इस वजह से मुझे, इसलिए मैं सब्सक्राइब के लिए आपसे कह रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि यार सब्सक्राइब कराओ यार, वो करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा ना से। मुझे तो बस अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उन लोगों के लिए जो भाई इन चीज़ में अभी नए हैं, उन्हें नहीं पता है। तो हमने जो अपनी गलतियाँ की हैं बस मैं वो शेयर करता हूँ, और उसी से जो मैंने सीखा है वो सब शेयर करता हूँ मैं। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें और तभी मुझे मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, मोटिवेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बस यही चाहता हूँ मैं कि भाई वीडियो जो है, मेरी इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिनसे भाई जो नए बंदे हैं उनको सीख मिले और वो जो हमने गलतियाँ की हैं वो लोग ना करें। तो यही था आज वीडियो का टॉपिक, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से ज़रूर चीज़ें खरीदें, क्योंकि वही आपके काम की हैं, लोकल में आप ढूंढ नहीं पाएंगे वही सब चीज़ें, वो और उसी फ्रीक्वेंसी की और उसी उसमें। तो प्राइस भी उनका सही है, मैंने ढूंढ के निकाली है भाई, थोड़ी रिसर्च की आप लोगों के लिए। और केस वाला जो मुझे थर्मोस्टेट अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक का कोई डर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सेफ है। और हीटर आप भाई ऑफलाइन ही खरीदें, मैं तो ये कहूँगा हीटर ऑफलाइन खरीदें क्योंकि सस्ता पड़ेगा। और बस यही थी आज की वीडियो, और उसके बाद जो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।